ठंड में गरीब चाय वाली। हिमाचल में रहने वाला एक परिवार जिसमें ऋतु अपनी माँ सुष्मिता और पिता हेमंत के साथ रहती थी। ऋतु का परिवार बहुत गरीब था। वो हिमाचल में रहते थे जहाँ 6 महीने ठंड और 6 महीने गर्मी होती थी। ठंड के समय तो रहना बहुत मुश्किल हो जाता था, गर्मियों में तो अपना गुजारा करना कुछ आसान हो जाता था। जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर उसे खाना बना लिया करते थे और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लेते थे। ऐसी ही सर्दी का समय था, चारों तरफ बर्फ गिर रहे थे। सभी लोगों के घरों के छत पर बर्फ जम गई थी, पेड़ पौधे पूरे सफेद हो गए थे। वहीं ऋतु के घर जो एक झोपड़ी थी वो भी बर्फ से पूरी तरह से ढक गया था। ऐसी बर्फ मारी में कोई काम करना बहुत मुश्किल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना घर चलाने के लिए क्या काम करे। ऋतु के पिता लोगों के घरों से बर्फ हटाते थे और उसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दिन वो एक घर की छत की बर्फ हटा रहे थे, तभी वो बर्फ हटाते हटाते वो सारी बर्फ उनके ऊपर गिर जाती है और उनके ऊपर बर्फ गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात सुष्मिता को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है और उसे समझ नहीं आता कि वो अब अपनी बेटी की परवरिश अकेले कैसे करेगी। अपने पिता की मौत के समय ऋतु बहुत छोटी थी। सुष्मिता अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है और अपने घर आ जाती है। घर का खर्च चलाने के लिए सुष्मिता लोगों के घरों में बर्तन और झाड़ू पोछा का काम करती है। ठंड का समय था, अमीर लोग घर में बर्तन धोते नहीं थे, इसलिए वो सुष्मिता को काम पर रख लेते हैं और उसे कुछ पैसे दे देते हैं। इसी तरह समय बीत रहा था। ऋतु घर पर माँ का इंतजार करती थी और उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती थी। सुष्मिता दूसरों के घरों में काम करके बहुत ज्यादा थक जाती थी और ठंड में काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। कभी कभी वो बीमार भी हो जाती थी, परंतु फिर भी घर का खर्च चलाने के लिए वो बीमार हालत में लोगों के घर पर झाड़ू पोछा करती थी। माँ, आज तो आपका शरीर बहुत ज्यादा तप रहा है। माँ, आज आप आराम कर लो, आपकी जगह मैं काम करने चली जाती हूँ। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, मैं तुझे घर के काम नहीं करने दूंगी। अगर तू वहाँ गई तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। वहाँ पर दवाई रखी है, तू मुझे दे दे, मैं अभी खा लेती हूँ। 1-2 घंटे में मुझे आराम आ जाएगा, फिर मैं चली जाऊंगी। सुष्मिता दवाई खाकर थोड़ी देर आराम कर लेती है। उसके बाद वो काम करने के लिए अपने घर से निकल जाती है। जब वो अपने काम पर पहुंच जाती है तो मालकिन उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है। ये कोई समय है यहाँ पर आने का? घर के सारे बर्तन मैंने खुद धो दिए हैं। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि समय पर आया कर, लगता है तुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। मालकिन, सर्दी ज्यादा होने की वजह से मैं कुछ बीमार हो गई थी, इसलिए आने में देरी हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं कल से समय पर आ जाऊंगी। मालकिन बहुत गुस्से स्वभाव की थी, इसलिए वो सुष्मिता को माफ नहीं करती और उसे काम से निकाल देती है। अब सुष्मिता को और जगह पर काम भी नहीं मिलता है और वो उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर वो सारी कहानी अपनी बेटी रितु को बताती है और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम कुछ कर लेंगे। क्यों ना हम घर पर ही गर्मा गर्म खाना बनाकर लोगों के बेचे। वैसे भी सर्दी बहुत है, लोगों का काम करने का मन नहीं करता है, वो हमारा गर्मा गर्म खाना जरूर लेकर जाएंगे। ये तो ठीक है बेटी, लेकिन हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी सामान नहीं है, फिर सबके लिए बनाने के लिए तो हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद, माँ मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने ही घर में एक चाय का स्टॉल खोल ले। इतने ठंड में लोग हमारी चाय पीने जरूर आएंगे और उसमें तो हमें ज्यादा कुछ सामान की जरूरत भी नहीं है, बस दूध और चाय पत्ती ही चाहिए। चीनी हम दुकान से उधार ले आते हैं, जब हमारी चाय बिक जाएगी हम चीनी के पैसे दे देंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन रितु, क्या लाला जी हमें चीनी और चाय पत्ती उधार देंगे? माँ, कुछ ना कुछ तो हमें जरूर करना होगा, कोशिश तो करनी ही होगी ना। इतना कहकर 8 साल की रितु लाला की दुकान पर पहुँच जाती है और लाला से कहती है कि वो उसे 1 किलो चीनी उधार दे दे और 10 की चाय पत्ती दे दे, वो कल आकर पैसे दे देगी। रितु के शरीर पर इतनी ठंड में स्वेटर भी नहीं था। लाला को उसकी हालत देख कर उस पर दया आ जाती है और वो उसे चाय बनाने का सामान दे देते हैं, दूध, चाय पत्ती, चीनी, सब कुछ।
रितु वो सारा सामान लेकर घर पर आ जाती है और वो अपने घर के बाहर ही एक टेबल लगाकर गर्मा गर्म चाय बेचने लग जाती है। बाहर ठंड ज्यादा थी इसलिए लोग अपने आप को आराम देने के लिए रितु के स्टॉल पर चाय पीने के लिए रुक जाती हैं। रितु की माँ चाय बहुत अच्छी बनाती थी इसलिए वहाँ पर ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ठंड में चाय बहुत ज्यादा बिक रही थी। फिर रितु रोजाना जाकर लाला की दुकान से दूध, चाय पत्ती और चीनी ले आती थी और पैसे दे देती थी। इस तरह रितु की दुकान बहुत ज्यादा चलने लग जाती है। धीरे धीरे करके अब उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपने घर के लिए कुछ पैसे जोड़ लेते हैं और अपने घर की मरम्मत करवा लेते हैं। धीरे धीरे गर्मियां आने लग जाती है और लोग चाय पीना कम कर देते हैं। तब रितु की माँ सुष्मिता चाय के स्टॉल पर खाना बनाना शुरू कर देती है। अब उनके पास इतना पैसा था तो वो एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और ग्राहकों को चाय के साथ साथ खाना भी बेचने लगते हैं। इस तरह रितु और उसकी माँ सुष्मिता के हालात सुधर जाती हैं और उनकी गाड़ी पटरी पर आ जाती है। दोनों का रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा चलने लग जाता है और अब वो बहुत अमीर हो जाते हैं और इस प्रकार दोनों माँ बेटी अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, नेहा हमेशा से ही नेचर को पसंद करती थी, जैसे हमेशा नेचुरल चीज पसंद थी। ऐसी ही एक दिन की बात है जब नेहा को जंगल में ढेर सारे फूल दिखाई देते हैं। वो उन सारे फूलों को तोड़कर अपने घर ले आती है और अपने लिए उन फूलों से लहंगा बनाने लगती है। वो रोजाना जंगल जाया करती और ढेर सारे फूल तोड़कर लाया करती और घर आकर उन फूलों से अपने लहंगे को तैयार किया करती। ये सब देख रही उसकी माँ एक दिन उससे कहती है, बेटा मैं तुझे अच्छे कपड़े दिला सकती हूँ तो तू ये फूलों वाले ड्रेस क्यों पहनती है? अब कुछ नहीं तो तुमने लहंगा ही बनाना शुरू कर दिया। माँ मुझे अब की बार पार्टी में इन फूलों से बना लहंगा पहनना है। परसों ही तो हमें पार्टी में जाना है और इस ठंड के मौसम में ये फूल खराब नहीं होंगे और मुझे बहुत पसंद है। बेटी मेरी बात मान, उस पार्टी में लोग दूर दूर से आएंगे और सभी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कोई हमारा मजाक बनाएगा? तुम्हारे इन फूलों वाले लहंगे को देखकर तेरे पापा भी गुस्सा करेंगे। बहुत जिद कर ली तूने, अब छोड़ दे बेटा। माँ अभी आपको पता नहीं है नेचुरल चीजों के लिए लोग कितना उतावले हो रखे हैं। आप जानती हो शहर में नेचुरल चीज मिलना बंद हो गई है और मैं चाहती हूँ मैं अपने गाँव से बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस करूँ। बेटा मेरे पास तुझे महंगे महंगे फोन दिलाने के लिए पैसे नहीं है, साथ ही तू अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करेगी जब तेरे पास फोटो खींचने के लिए अच्छा फोन नहीं है और ना ही तूने इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। दोनों माँ बेटियाँ बात कर रही होती है कि तभी नेहा का भाई शिवम आ जाता है। अरे माँ आपको पता है ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने दोस्त के फोन से फोटो क्लिक कर लिया करूँगा और वही हम अपने ऑनलाइन बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया करेंगे। माँ आपको पता है जंगल से फूलों को लाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर नेहा को इकट्ठे ही सारे फूल पत्तियाँ मिल जाए तो नेहा उन फूलों से बहुत अच्छा ड्रेस बना सकती है और आपको पता है शहर में इसकी बहुत डिमांड है। ये सारी बातें सुनकर नेहा की माँ का मन ठंडा हो जाता है और वो नेहा को उसका लहंगा बनाने के लिए कह देती है। नेहा रात दिन मेहनत करके अपना लहंगा तैयार कर लेती है और वो दिन आ ही जाता है जब उन्हें पार्टी में जाना होता है। सभी लोग पार्टी में बहुत सुंदर सुंदर तैयार होकर आते हैं। वही नेहा अपनी फैमिली के साथ फूलों वाला सुंदर लहंगा पहनकर जाती है। सभी की नजर नेहा पर ही टिकी होती है और सभी नेहा को देखते रह जाते हैं। इतना सुंदर ड्रेस गांव में पहली बार किसी ने पहना था। सभी उस ड्रेस को देखकर उसके आसपास घूमने लगते हैं और उसके लहंगे को बार बार देखते हैं। सभी पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं। नेहा की दोस्त उसके साथ खूब अच्छे से डांस कर रही होती है और नेहा को डांस करता हुआ देखकर सभी खूब तालियां बजाते हैं। नेहा उस पार्टी में बहुत एंजॉय करती है, साथ ही साथ उसकी फैमिली भी बहुत खुश होती है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन नेहा की माँ काम पर जाती है तो उसे काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि कई बार छुट्टी लेने पर नेहा की माँ की मालकिन उसे काम पर आने के लिए मना कर देती है।
जिस कारण नेहा की माँ चिंता में आ जाती है, क्योंकि घर में पैसों की कमी होती है और साथ ही साथ नेहा के माँ बाप दोनों मिलकर पैसे कमाते हैं, तब जाकर घर का खर्चा चल पाता है। लेकिन अब जब नेहा की माँ की जॉब चली जाती है तो उसे चिंता हो जाती है कि घर खर्च कैसे चलेगा। अपनी माँ को घर पर जल्दी वापस आता देखकर नेहा कहती है, माँ चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती है, मैं घर में ही सिलाई का काम शुरू कर देती हूँ और फिर उससे जो भी पैसे बचेगा उससे मैं ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू करूँगी, साथ ही साथ हमारा घर भी चलता रहेगा। बेटा अभी तो बहुत छोटी है, तो मशीन पर काम तो कर लेगी, लेकिन एक बात बताओ, जब घर में पैसे ही नहीं है तो कपड़ा कहाँ से लाएगी। पिताजी की कमाई से घर का खर्चा चलता रहेगा और कुछ पैसे मैंने बचा रखे हैं, जिससे मैं कुछ कपड़े खरीद लाऊंगी और 3-4 सूट सिलकर अपने घर के बाहर लटका दूंगी, जिससे लोगों को हमारे यहाँ सिलाई होने का पता चलेगा। ठीक है बेटा, तू अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर दे और हाँ, ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर दे। तुम दोनों अगर ये काम संभाल लोगे तो घर में पैसों की भी तंगी नहीं रहेगी और साथ ही साथ तुम्हारा काम भी अच्छा चलेगा। हे भगवान, मेरे बच्चों को ताकत दो, बुद्धि दो, ताकि मेरे बच्चे 4 पैसे कमाना सीख जाए। अगले दिन सुबह सुबह नेहा उठती है और अपने भाई के साथ मार्केट चली जाती है। गांव में 20 किलोमीटर सफर तय करने के बाद एक बहुत बड़ी मार्केट लगती है, जहां पर बहुत सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं। दोनों भाई बहन सुबह सुबह वहां पहुंच जाते हैं। सभी दुकानदार अपने अपने कपड़ों की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं नेहा बहुत समझदार होती है, कुछ कपड़ों की परख करके 8-10 कपड़े खरीद लेती है। सभी कपड़े रंग बिरंगे और बहुत सुंदर और अच्छे होते हैं। दोनों भाई बहन जब घर पहुंचते हैं तो नेहा की माँ कहती है, अरे वाह मेरी बिटिया, इतने सुंदर सुंदर कपड़े उठा लाई है, कितने के आए हैं ये कपड़े। माँ हम दोनों पैदल घूमते घूमते चले गए और ये कपड़े ले आए, बहुत सस्ते रेट पर मिल गए हैं, आप देखती जाओ, जब ये बनेंगे तो और अच्छे लगेंगे। नेहा बहुत तेज तरार होती है, जिसे कपड़े सिलने का बहुत शौक होता है। साथ ही साथ वो उन कपड़ों से तरह तरह के ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है, किसी का सूट तो किसी का गाउन, किसी का लहंगा तो किसी की फ्रॉक। नेहा 10-15 दिन में ये सारे कपड़े बनाकर अपने घर के बाहर लगा देती है। कपड़े बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं। गाँव में लड़कियाँ उन कपड़ों को देख कर तुरंत नेहा के घर में खरीदने आ जाती है। अरे वाह नेहा, तुमने तो गांव में रौनक ही लगा दी, इतने सुंदर सुंदर कपड़े तुमने बनाकर तैयार करे हैं, ये कपड़े तो बहुत महंगे दिख रहे हैं, अब जल्दी से बताओ ये सूट कितने का दोगी। पूरे 1000 रुपए का सूट है, और हाँ ये सूट कोई मामूली सूट नहीं है, इसमें देखो लटकन भी लगी है और लेस का भी काम हो रखा है, जो पूरे गाँव में कोई भी नहीं करके देता। अरे वाह इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस, तुम मुझे ये गाउन दे दो और मुझे पैसे बता दो, मैं तुम्हारे बनाए हुए कपड़ों की दीवानी हो गई हूँ, इतने सुंदर कपड़े मैंने कभी नहीं देखे। हाँ ठीक है ले लो, लाओ 1500 रुपए। वो लड़की तुरंत 1500 रुपए निकाल कर देती है और गाउन ले जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कस्टमर भरने लगते हैं और उसके ड्रेस देखकर सभी उसके पास एक एक करके लेने लगते हैं और धीरे धीरे नेहा की सारी ड्रेस बिक जाती है। नेहा पहले दिन अपनी ड्रेस अपने घर के बाहर लगाती है और पहले ही दिन उसकी सारी ड्रेस बिक जाती है। सारी ड्रेस बिकने के बाद उसे बहुत सारा मुनाफा भी होता है। इतनी जोरों शोरों से सारे ड्रेस बिकने के बाद नेहा की माँ नेहा से कहती है, अरे वाह बेटी तुमने तो कमाल ही कर दिया, आज पहला दिन था और पहले ही दिन सारे ड्रेस बिक गई। मुझे लगता है अब तुम्हें ये सारे ड्रेस मार्केट में जाकर बेचनी चाहिए, तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। माँ मैं भी यही सोच रही हूँ, अब मुझे इतना सारा मुनाफा हुआ है तो मैं मार्केट से जाकर कल ही ढेर सारे कपड़े लेकर आऊंगी और एक हफ्ता अच्छे से लगाकर सारे कपड़े तैयार करूंगी, साथ ही साथ अपने कपड़ों में तरह तरह की वैरायटी भी रखूंगी। नेहा की माँ और नेहा बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई उसे बहुत सपोर्ट करता है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों भाई बहन मार्केट के लिए निकल जाते हैं और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद दोनों भाई बहन बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं। नेहा ढेर सारे कपड़े खरीदने के साथ साथ बहुत सारे लटकन, लेस, गोटा आदि ले आती है। पिछली बार की तरह और ढेर सारे ड्रेस बनाती है और इस बार उसके पास बहुत सारे वैरायटी के कपड़े भी होते हैं। नेहा सिलाई करने में बहुत एक्सपीरियंस थी,
जिसकी वजह से वो तरह तरह के पैटर्न बनाकर ड्रेस तैयार करती है। ऐसे पैटर्न गांव में किसी के पास भी नहीं होते थे, क्योंकि ये सारे आइडिया नेहा के अपने खुद के होते थे। नेहा पूरा एक हफ्ता लगाकर सारे ड्रेस लहंगे तैयार करके मार्केट में ले जाती है और वहां जाकर उन सारे ड्रेस को टांग देती है। अपने महंगे महंगे लहंगे अपने स्टॉल के सामने लगाती है। मार्केट में ड्रेस लगाने के बाद नेहा के पास ढेर सारे कस्टमर खड़े हो जाते हैं। नेहा इतने सारे कस्टमर को अकेली डील नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका भाई भी उसके साथ उसकी मदद करता है। बहुत सारे ग्राहक आते हैं, ड्रेस लेकर जाते हैं और मार्केट में नई होने की वजह से दूर दूर से लोग उसके ड्रेस लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उसके ड्रेस का रेट बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होती है। ये सब लेन देन चल रहा होता है कि तभी नेहा की दुकान में एक शहरी लड़की आती है और कहती है, तुम्हारी दुकान की दूर दूर तक चर्चे हैं। मैंने देखा पूरी मार्केट में घूमकर इतने कस्टमर किसी के पास नहीं जितने तुम्हारे पास है, साथ ही साथ इतनी अच्छी वैरायटी, इतने अच्छे पैटर्न किसी के भी पास नहीं है। तुम ये सारे कपड़े खुद सिलती हो? हाँ, मुझे सिलाई का बहुत शौक है। साथ ही साथ मेरी माँ की जॉब चली गई, जिस वजह से हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई और इसी वजह से मैंने ये काम करने का निर्णय लिया ताकि मैं अपने घर वालों की मदद कर सकूं। अरे वाह, ये सारे कपड़े तुमने सिले हैं और तुम्हारे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना तुम शहर में मेरे साथ चलो। मेरे पापा की अपनी खुद की कपड़ों की दुकान है जहाँ पर बहुत सारे दर्जे काम करते हैं। तुम्हें इतने अच्छे पैटर्न सिलने आते हैं, तुम्हें तो मेरे पापा तुरंत जॉब पर रख लेंगे और तुम चाहो तो अपनी माँ को भी अपने साथ ला सकती हो। क्या सच में मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस है? मैं शहर में आपके यहाँ जरूर आऊंगी और साथ ही मैं अपनी माँ को भी अपने साथ लाऊंगी। शहरी लड़की उसको अपना एड्रेस दे देती है और नेहा खुशी से वो कार्ड अपने पास रख लेती है। हर बार की तरह इस बार भी नेहा के बने हुए सभी ड्रेस शाम होने से पहले ही बिक जाते हैं और नेहा को बहुत सारा मुनाफा भी होता है। नेहा शाम होते ही घर वापस लौटती है और घर में आकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। नेहा की बातें सुनकर उसकी माँ कहती है, अरे वाह बेटा, तेरे इस काम की वजह से हमारे घर में अब पैसों की तंगी भी खत्म हो गई, साथ ही साथ अब तो मुझे भी जॉब करने का मौका मिल जाएगा। तू और मैं मिलकर खूब पैसा कमाएंगे और अपने छोटे से घर को बड़ा घर बनाएंगे, साथ ही साथ तेरे पिताजी के कंधों का बोझ भी कम हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह नेहा अपनी माँ के साथ शहर पहुँच जाती है और उस शहरी लड़की के बड़े ऑफिस में जाकर बैठ जाती है। सभी ऑफिस वाले नेहा और नेहा के माँ के कपड़ों को देखकर उन्हें देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि नेहा अपने बनाए हुए बहुत सुंदर कपड़े पहनकर जाती है। तभी वो शहरी लड़की उसके पास आती है और कहती है, चलो मेरे साथ, मैं अपने पिताजी से मिलवाती हूँ और तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, मुझे पता है ये तुमने डिजाइन करी है ना। शहरी लड़की इतना कहकर दोनों माँ बेटियों को अपने पिताजी से मिलवाती है। शहरी लड़की के पिताजी बहुत मॉडर्न थे, जिन्हें नेहा के कपड़े बहुत पसंद आते हैं। नेहा जो कपड़े पहन के गई थी वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थे, जिसे देखकर शहरी लड़की के पिता कहते हैं, बेटा, मैंने अपनी बेटी से तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी है, साथ ही साथ तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे काम खुद ही करती हो, ये बहुत अच्छी बात है। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। अंकल जी, इंसान को उसके हालात सबको सिखा देते हैं और मेरे घर में पैसों की तंगी होने की वजह से आज मैं ये सारे काम खुद कर पा रही हूँ और मेरी कोई छोटी उम्र नहीं है। मैं अपने माता पिता का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। हमारे घर में बहुत गरीबी है और अब हमारे घर के हालात सुधरे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी कंपनी में काम संभालूं और आप मुझे उसका अच्छा पैसा दें। जी बेटा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपनी कंपनी में काम दूंगा और मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें इसके पैसे भी अच्छे दूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ काम कर सकेगी। तुम चाहो तो अपनी माँ को भी कपड़ा कटिंग करने के लिए रख सकती हो और चाहो तो काज बटन करवा सकती हो। मैं जानता हूँ गरीबी क्या होती है, मैं भी अपना इतना बड़ा बिजनेस ऐसे ही नहीं कर लिया, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी है। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसी बच्ची अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ती है।
नेहा और उसकी माँ को काम मिल जाता है और अगले ही दिन से दोनों माँ बेटियाँ शहर में ही रहने लगते हैं और रोजाना समय पर ऑफिस आया करती हैं और रात को देर रात घर पहुँचा करती हैं। शहर में खाना पीना बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से वो कंपनी में ही खाना खाकर अपने घर वापस जाया करते हैं। शहर में दोनों बहुत हंसी खुशी अपने जीवन बिताने लगते हैं। साथ ही साथ उस कंपनी में रोजाना समय पर काम करके देने की वजह से कंपनी के सभी लोग उसे बहुत खुश थे। दिन पर दिन कंपनी की बढ़ोतरी हो रही थी। ये सब देखकर शहरी लड़की के पिताजी बहुत खुश होते हैं और उनकी सैलरी बढ़ा देते हैं। ऐसी ही रोजाना काम करते करते एक दिन नेहा अपने ऑफिस में ताजे फूलों की ड्रेस बनाकर पहनकर जाती है, जो सभी को बहुत अट्रैक्ट करती है। नेहा की इस ड्रेस को देखकर शहरी लड़की के पिता उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत सुंदर ड्रेस पहन रखी है। तुम जानती हो ऐसे नेचुरल चीजों के लिए शहर में लोग कितने तरस रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम बेस्ट क्वालिटी के फूल खरीदो जो आर्टिफिशियल हो लेकिन दिखने में असली लगे, और तुम उससे ड्रेस बनाओ और मुझे दिखाओ। हो सकता है ये ड्रेस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए और हमें बहुत प्रॉफिट हो। नेहा अपने हिसाब से बहुत सारे फूल खरीद लाती है जो दिखने में असली दिखते हैं। नेहा उन फूलों से एक बहुत सुंदर गाउन बनाती है और अपने मालिक को दिखाती है। तुम्हारा ये सुंदर फूलों वाला गाउन दुनिया पहनने के लिए तरसेगी। ये बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी सैलरी और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। साथ ही साथ तुम्हारी माँ को भी मैं बहुत अच्छा बोनस देना चाहता हूँ। आज अगर वो ना होती तो तुम मेरी कंपनी में कैसे आती। थैंक यू सर, मुझे खुशी है कि शहर में सभी को मेरे पैटर्न और आइडिया अच्छे लगे। ऐसे ही कई सालों तक काम करते करते नेहा बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है और फिर दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे से बात करती हैं। बेटी नेहा, मैं ये सोचती हूँ कि हम इस शहरी बाबू की सहायता करके इनका बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं और दिन पर दिन इनकी कंपनी को लोग जानने लगे हैं। क्या हम ये मेहनत अपनी दुकान में नहीं कर सकते? माँ, मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा था, लेकिन अपनी दुकान खोलने और फिर उसको इतने अच्छे लेवल पर चलाने के लिए हमें बहुत बड़ी टीम की जरूरत है, क्योंकि शहरी बाबू के पास बहुत सारे वर्कर हैं जो उनकी कंपनी को संभाल रखे हैं, लेकिन हम लोग कैसे अपना काम संभालेंगे? बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा रख, हमारा भी काम खूब चलेगा। ऐसे ही कुछ दिन और काम करने के बाद दोनों माँ बेटियाँ शहरी बाबू के यहाँ से जॉब छोड़ देते हैं और वापस अपनी दुकान खोलने का ठान लेते हैं। शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर नेहा तरह तरह के पैटर्न वाले ड्रेस बनाने लगती है और उसका भाई उसकी काम में मदद करवाता है। साथ ही उसकी माँ काज बटन का काम संभालती है। नेहा के पिताजी काउंटर संभालते हैं। अब धीरे धीरे उनके पास खूब काम आने लगता है और नेहा अपने काम को बहुत अच्छे लेवल पर चलाने लगती है। लोग दूर दूर से उसके बनाए हुए ड्रेस लेने आते हैं और इसी तरह काम चलने के साथ साथ उन्हें खूब प्रॉफिट भी होता है। नेहा का काम इतना अच्छा चलने लगता है कि लोग विदेश से भी उसके यहाँ पर ऑर्डर भेजते हैं और सभी को नेचुरल ड्रेस बहुत पसंद आती थी और साथ ही साथ डिजाइनर कपड़े से बने ड्रेस भी। अपना काम इतने अच्छे से चलता हुआ देखकर उसके पिताजी उससे कहते हैं, नेहा बेटी, तुम्हारा काम इतना अच्छा चलने लगा कि अब तुम्हें विदेश से भी ऑर्डर मिलने लग गए। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमें इतना अच्छा काम मिलेगा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमारा नाम रोशन हो गया। पिताजी, ये सब आप सबके सपोर्ट की वजह से हुआ है। अगर आप सब मुझे सपोर्ट ना करते तो आज मैं इस लेवल पर नहीं पहुँच पाती। साथ ही साथ भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया और माँ ने तो मेरे साथ शहर में जाकर भी मुझे सपोर्ट किया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नेहा ने अपने कठिन परिश्रम और लगन से काम करने के बाद अपनी पूरी फैमिली को कमाए हुए पैसों से संभाला और उन्हें सपोर्ट किया। साथ ही साथ नेहा को उसकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया। आज नेहा अपने फैमिली के साथ बहुत खुश है, क्योंकि उसने छोटी सी उम्र में अपना नाम इतने अच्छे लेवल पर रोशन किया, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।